हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सबसे प्लेटफॉर्म की में। तो दोस्तों, NIACL असिस्टेंट प्रीलिम्स एनालिसिस 2018 सेकंड शिफ्ट का जो है आपका आ चुका है अपडेट, और आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जो 8 सितंबर 2018 यानी कि आज जो हुआ है पेपर सेकंड शिफ्ट में। तो आज देखेंगे इसमें कि सेकंड शिफ्ट में क्या गुड अटैम्प्ट रहा है, सभी सेक्शन वाइज कितने लोग अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, इनके इन सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आगे इस वीडियो से बढ़ने से पहले सभी से चाहेंगे प्लीज़ यार आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा जरूर, ताकि आपको इस चीज़ का जो एनालिसिस पूरे डिटेल्स आपको पता चले, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर क्वांट की बात करें, जैसा कि शिफ्ट वन में जो चीज़ नहीं आई थी वो थी क्वान्टिटी 1 और 2, ठीक है। ये वाला सेक्शन आपको देखने को नहीं मिला था, बाकी सब चीज़ें सेम थी। और सिम्प्लीफिकेशन कुछ क्वेश्चन आपके इसमें कम देखने को मिले, बाकी आपको ओवरऑल सब कुछ इजी टू, जो सेक्शन आप कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट रहा है, ठीक है। सेशन जो आया है ये वाला सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, वो इजी टू मॉडरेट रहा है। तो देखिए, डाटा इंटरप्रिटेशन से अगर बात करें तो 5 क्वेश्चन आए पूछे गए, ठीक। सिंप्लीफिकेशन से 7 क्वेश्चन पूछे गए, क्वांटिटेटिव इक्वेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए, लॉन्ग नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज पूछा गया था, फर्स्ट में आपको मिसिंग नंबर सीरीज पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आया था, इस शिफ्ट में भी आया, मिसलेनियस से क्वेश्चन 6 पूछे गए, टोटल 35 मार्क्स के लिए 35 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए पूछे गए, और इसके लिए समय आपको कितना मिला था, 20 मिनट्स। चूँकि क्या है कि 60 मिनट का जो पेपर था, सभी सेक्शन में आपको 20-20 मिनट के ही समय मिले थे, तो इसी 20 मिनट में आपको करने थे। चलिए, सेकंड जो रीजनिंग की बात करेंगे, इसमें भी आपको कितना मिला था, 20 मिनट का समय मिला था। और इसमें अगर क्या था कि पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से आपको 10 सवाल देखने को मिले, इनोकुलेटर से 5 क्वेश्चन, सिलॉक से 5 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सीरीज से 5 क्वेश्चन, अल्फाबेट सीरीज से 5 क्वेश्चन, मिसलेनियस से 1, अल्फाबेट बेस से 1, डायरेक्शन से 3, टोटल 35 मार्क्स के लिए इसमें 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर इस सेक्शन की बात करते हैं, ये सेक्शन कैसा रहा, तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी आपका इजी टू मॉडरेट पूछे गए, है ना। चलिए, थर्ड में आते हैं, अब इंग्लिश की बारी है। इंग्लिश में भी आपको 30 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 30 मार्क्स के लिए, ठीक। तो उसमें क्या क्या देखने को मिला, सेंटेंस करेक्शन 6 क्वेश्चन, रीडिंग कम्प्रिहेंसन 8 क्वेश्चन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट 5 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन से 6 क्वेश्चन, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन। जो कि ये भी पेपर आपका कैसा रहा, तो कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट आपका ये भी रहा सेक्शन। तो कुल मिलाकर ओवरऑल जो आपका पेपर कह सकते हैं सेकंड शिफ्ट का भी ओवरऑल इजी टू मॉडरेट रहा है। अब बारे की गुड अटेम्प्ट क्या होंगे, ठीक है, और कितने नंबर ऑफ मीन्स की जो स्टूडेंट है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो गुड अटेम्प्ट यहाँ पर देखिए, इंग्लिश की बात करें तो लोग 18 से 24 अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं कि ज़्यादा किए होंगे, नो डाउट, लेकिन एवरेज स्टूडेंट आपके 18 से 24 करके आ रहे हैं इंग्लिश में। रीजनिंग में 24 से 28, क्वांट की बात करें तो 24 से 28 इसमें भी आपको देखने को बढ़ रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो 66 से 70 के लगभग में सभी जो एवरेज स्टूडेंट है अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, ठीक। तो ऐसे में आपका जो कट ऑफ क्या होगा, एक्सपेक्ट जो करते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों से अगले वीडियो में एनालिसिस करके मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर बने रहिए हमारे चैनल पे, ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।